सोलन के नगर परिषद के ठेकेदारों ने शहर के सभी विकास कार्य ठप कर दिए और नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को उनके ही कार्यालय में नजरबंद कर दिया है। नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पुलिस समेत दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन ठेकेदारों ने दरवाजा नहीं खोला। करीब आधे घंटे बीत जाने के उपरांत ठेकेदारों ने दरवाजा खोला तो पाया कि ठेकेदार अधिकारी के समक्ष जमीन पर बैठ धरना दे रहे हैं और कार्यकारी अधिकारी को कार्यालय से बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है। काफी जद्दोजहद के बाद स्थिति पर नियंत्रण पाया गया। जानकारी के अनुसार पिछले 3 महीनों से ठेकेदारों को भुगतान नगर परिषद नहीं कर रही है, जिसके चलते ठेकेदारों में भारी रोष पनप रहा था और उन पर शूलनी मेले में भी काम करने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से उनका गुस्सा फूट गया और उन्होंने नगर परिषद में जमकर हंगामा किया। जब इस बारे में नगर परिषद अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर से पूछा गया तो उन्होंने ठेकेदार एसोसिएशन द्वारा धरना प्रदर्शन करने पर असली कारण बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 माह से नगर परिषद में 5 कार्यकारी अधिकारी बदले जा चुके हैं, जिसके चलते ठेकेदारों के बिल लंबित पड़े हैं। वर्तमान में जो कार्यकारी अधिकारी हैं, उन्होंने 3 दिन पहले नगर परिषद का चार्ज संभाला है, इसलिए वे नगर परिषद की कार्यप्रणाली से अनभिज्ञ हैं और यही कारण है कि उन्होंने ठेकेदारों को भुगतान नहीं किया, लेकिन अब उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वे ठेकेदारों का कुछ भुगतान कर देंगे। नगर परिषद के जो ठेकेदार एसोसिएशन है, उन्होंने आज एक छोटा सा प्रोटेस्ट किया और बताया कि हमें काफ़ी अर्से से इन कामों का कोई भुगतान नहीं हुआ है। जो हमारे नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आए हैं विवेक चौहान जी, तो अभी उन्हें ज्वाइन किए हुए 3 दिन हुए हैं। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा मुझे प्रोसीजर का और यहाँ की सिस्टम का पता लग जाए, हम पेमेंट कर देंगे। और फिलहाल उनको ये वायदा किया है कि हम पार्शियल पेमेंट कर देंगे और उसके बाद जो टेस्ट चेक होगा उसके बाद ही बकाया पेमेंट कर दी जाएगी। पिछले 3 महीनों में कम से कम 5 ईओ के ट्रांसफर हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत सी पेमेंट रुक गई है। मेरे लगभग सारे ठेकेदारों की अगर पेमेंटों को मिलाया जाए तो 50 लाख के करीब होगी, और जिनमें से आज हम कुछ रिलीज कर देंगे, और ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने ठेकेदारों को आश्वासन दिया है।